अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू कोडेनिक्स आई एम हमाद हमाफेल आई वेलकम यू ऑल ऑन द सेवन मंथ्स ऑनलाइन डाटा साइंस एंड एआई ट्रेनिंग बोर्ड कैंप आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स वो तमाम के तमाम नंबर जो रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी जिनको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो रैशनल नंबर्स भी डिनोट किए जा सकते हैं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी जो हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो वो तमाम के तमाम नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर्स बोलते हैं रियल नंबर्स में तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं तो इसलिए रियल नंबर्स को आर से हम रिप्रेजेंट करके क्यू प्लस आई भी लिख सकते हैं अब रैशनल नंबर और इ नंबर क्यों लिख रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर और इ नंबर को कलेक्टिवली जो है हम तमाम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन और नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव में जो है वो नेचुरल नंबर है जीरो ऐड कर देता तो होल नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो इंक्लूड कर देता दो इंटीजर्स हैं इसी तरीके से रैशनल और इ है इसलिए रियल नंबर्स में हम क्यू प्लस आई करके इसको डिनोट कर सकते हैं इसके बाद अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कंप्लेक्स नंबर कंप्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है या कंप्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं ए प्लस बी आयोटा अब ये ए प्लस बी अयोटा क्या होता है क्या क्या चीजें हैं यह हम देखते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोअर केस लेटर जी से डिनोट करते हैं और कंप्लेक्स नंबर z जो है लेट्स सपोज अब आपके पास इसके दो पार्ट्स होते हैं एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ i लिखा होता है अब i क्या है उसको भी हम जो है डिस्कस करते हैं जो यहां पे a और b है बेसिकली ए और बी दोनों ही रियल पार्ट हैं। रियल पार्ट का मतलब क्या है जी ये रियल नंबर्स हैं रियल ये दोनों रियल नंबर्स हैं रियल नंबर्स क्या हैं? जो आपके पास नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन आई जो है ये वैल्यू होती है माइनस वन का स्क्वेयर रूट आई माइनस वन का स्क्वेयर रूट जो है इसको आई को बोलते हैं अयोटा तो अयोटा की वैल्यू माइनस वन का स्क्वेयर रूट होने की वजह से ये इमेजिनरी नंबर है इमेजिनरी नंबर की वजह से ये जो रियल नंबर है या रियल पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर की मौजूदगी की वजह से इस बी अयोटा को इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर देता है ए जो है आपका रियल पार्ट है और इसको ए प्लस बी अयोटा अगर मैं यहां पे ए की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू जो है फाइव रख दूं इस जो आपके पास मेन रिप्रेजेंटेशन का मेथड है इसमें आपके पास यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा थ्री प्लस फाइव एयोटा तो यहां पे ये थ्री और फाइव क्योंकि रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये थ्री जो है आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट है फाइव जो था रियल नंबर था लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये रियल नंबर भी आपके पास इस इमेजिनरी नंबर के साथ मिलके इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो तो इन नंबर्स को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इनकी एग्जाम्पल जो हैं वो मैं कुछ दे देता हूँ जैसे सेवन प्लस टेन आयोटा टू प्लस नाइनटीन अयोटा थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड अटा थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड अयोटा के एग्जाम्पल से यह मुराद है कि आपके पास कोई भी जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जाए लेकिन जब वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आ जाएगा तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट बनाने की वजह से वो आपका जो नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा